तो भाई लोग कैसे हो, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज आपका भाई बताएगा आपका जॉयस्टिक स्टक क्यों होता है और किस लिए होता है और परफेक्ट साइज ऑफ जॉयस्टिक एंड जिगल मूवमेंट आप कैसे फास्ट कर सकते हो। गाइस ये तीन प्रॉब्लम का सलूशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। आई होप सो आप वीडियो पूरा देखोगे, लास्ट तक देखोगे, आपको यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के रिलेटेड। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका भाई बहुत ही ज़्यादा क्लोज है 2K सब कंप्लीट होने के, तो गाइज रेड कलर का बटन दबा दो, जल्दी से जल्दी वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइज पहले बात कर लेते हैं आपका जॉयस्टिक स्टक क्यों होता है और जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। स्टक इसलिए होता है बिकॉज बहुत से बंदे जॉयस्टिक का प्लेसमेंट सही से नहीं रख पाते। मैं बताता हूँ कैसे। गाइज मान लो आगे जहाँ पे बंदा है और जहाँ पे बढ़िया कवर भी है, तो गाइज होता जो है बहुत से बंदों का स्प्रिंट बटन लॉक हो जाता है। देख सकते हो गाइज कुछ ऐसे स्प्रिंट पे लग जाता है हमारा जॉयस्टिक, बेसिकली बंदा हमारा कवर से आगे चला जाता है तो बहुत दिक्कत की बात हो जाती है, एनिमी हमें बहुत आसानी से मार देता है। तो गाइस ये ऐसा होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं कंट्रोल में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जॉयस्टिक का बटन हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कुछ ऐसा रहता है, तो गाइस ये दिक्कत हमें इसलिए ही आती है। जैसे कि आप लोग मान लो आप जहाँ से आओगे आगे आपको एनिमी दिखा, आप रुकने की कोशिश करोगे बट आपका करेक्टर नहीं रुकेगा बिकॉज आपका जॉयस्टिक स्प्रिंट पर चला जाएगा, ठीक है ना गाइस। आप गाइस थोड़ी सोल्यूशन की भी बात कर लें, पहले बात कर लें जॉयस्टिक के साइज की। अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बात करें तो आपको जॉयस्टिक का साइज 100 देखने को मिलता है, ये साइज़ भी ठीक है। बहुत से बंदे बोलते हैं भाई आपकी जिगल मूवमेंट स्लो हो जाती है, आपको जॉयस्टिक ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, तो गाइस मैं आपको बता दूं कुछ ऐसा नहीं है। ज़्यादा डिटेल में आगे वीडियो में बात करते हैं जब जिगल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 60 से लेकर 100 तक जॉयस्टिक का साइज रख सकते हो, ना ही आपने 60 से कम रखना है और ना ही 100 से ज़्यादा रखना है। ये सब आपके थंब पे डिपेंड करता है, अगर आपका थंब थोड़ा मोटा है तो 100 रख लो, अगर एवरेज है तो 65-75 रख लो तो बेस्ट रहेगा। ये तो गाइज मैंने आपको जॉयस्टिक के परफेक्ट साइज के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं स्प्रिंट बटन के बारे में, जो कि आपका करेक्टर दोबारा स्प्रिंट पे लग जाता है, कवर से बाहर चला जाता है, बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। गाइज ये रहा हमारा स्प्रिंट बटन, इसको आपने करना ये है पूरा ऊपर कर देना है, एकदम ऊपर कर देना है, ठीक है ना गाइज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप देख सकते हो हमारा बंदा बढ़िया चल रहा है और स्प्रिंट पे भी नहीं लग रहा, ठीक है ना गाइज, बंदा मेरे पूरे कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो गाइज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गाइज जो ज़्यादा बंदे ऊपर फिंगर यूज करते हैं लाइक जहाँ पे उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका भी मेरे पास सलूशन है, मैं आपको बताता हूँ। गाइज पहले तो आपने स्प्रिंट बटन पूरा छोटा कर लेना है और फिर आपने जॉयस्टिक को छोटा कर लेना है और बड़ा कर लेना है और छोटा कर लेना है और बड़ा कर लेना है, ऐसे ही आपने करते रहना है। साथ साथ आपने स्प्रिंट बटन को टच कर देना है, तो आपको करना ये है स्प्रिंट बटन को एकदम छोटा कर देना है, जैसे कि मैंने किया, आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपने करना ये है स्प्रिंट बटन को पूरा ऊपर कर देना है, ठीक है ना गाइस, पूरा ऊपर तक। और इसके बाद अपना जॉयस्टिक का साइज थोड़ा छोटा कर लो, फिर आपने जॉयस्टिक को नीचे कर देना है और स्प्रिंट बटन को ऊपर कर देना है, ऐसे ही आपने करते रहना है, जॉयस्टिक नीचे और स्प्रिंट बटन ऊपर, ऐसे ही आपने कंटिन्यू करते रहना है जितना टाइम इसकी हद ना ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने करना ये है जॉयस्टिक का साइज 65-75 रखें, आई थिंक सो ये बेस्ट साइज है जॉयस्टिक का। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कितना साइज कैसे रखना है। और हाँ गाइज अभी आप सोचोगे भाई हमारा बंदा जिगल मूवमेंट कैसे करेगा क्योंकि हमारी जॉयस्टिक को ज़्यादा नीचे चली गई है, तो गाइज मैं आपको बता दूँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। गाइज अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज 99.5 बंदे वो हैं जो कि वीडियो पूरा देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन ठोक दो जल्दी से जल्दी। गाइज थोड़ी बेसिक से बात कर लेते हैं, अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आप ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। गाइज मेन बात, सबसे पहले जॉयस्टिक यूज करने के 3 तरीके होते हैं जो कि आप कंट्रोल में देख सकते हो, पहला दूसरा तीसरा। पहले की बात कर लेते हैं ये काम कैसे करती है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो मैं इजी जॉयस्टिक से तो मूव कर ही सकता हूँ, सारे बंदे जानते हैं जॉयस्टिक से ही मूव करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर मैं लेफ़्ट साइड कहीं पे भी टच करूँ स्क्रीन पे, कहीं पे भी लेफ़्ट साइड पे, तो मेरी जॉयस्टिक मूव करेगी। देख रहे हो गाइस मैंने अभी जॉयस्टिक पे टच नहीं किया, मैंने लेफ़्ट साइड स्क्रीन पे टच किया तो मेरा बंदा मूव हो रहा है और जिगल भी कर रहा है, आप देख सकते हो।
अगर मैं राइट साइड पे टच करूंगा तो मेरा बंदा एम करेगा, ठीक है ना गाइज। अब बात करते हैं दूसरी की। वर्क तो सेम है बट डिफरेंस इतना है, जब आप राइट साइड पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपका फायर बटन काम करेगा, देख रहे हो गाइज। इसका यही फंडा है, राइट साइड आप कहीं पे भी टच करो और मेरा फायर बटन जहाँ पे है और कहीं पे भी मैं टच करता हूँ राइट साइड पे तो मेरा फायर बटन चलता है, ठीक है ना गाइज। अब बात करते हैं तीसरी की। इसका काम ये रहता है, अगर आप जॉयस्टिक से मूव करोगे तो ही आपका बंदा मूव करेगा, अगर आप स्क्रीन पे कहीं पे भी टच करोगे लेफ्ट साइड पे तो आपका बंदा मूव नहीं करेगा, ठीक है ना गाइज। आप देख सकते हो जब मैं स्क्रीन पे टच करता हूँ ये एम करता है और बंदा कहीं पे मूव नहीं हो रहा। गाइज मैंने आपको तीनों जॉयस्टिक के बारे में बता दिया है, फुल डिटेल में बता दिया है। अगर आपका जॉयस्टिक स्टक होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले वाला ही जॉयस्टिक यूज करो, एकदम बेस्ट है, सभी बंदे ये वाला ही यूज करते हैं। आप चेक कर लेना, आप दूसरे वाले और तीसरे वाले पे तो नहीं खेल रहे और पहले वाला आप कर लेना, ठीक है ना गाइज। जैसे कि मेरा ये पहले वाला जॉयस्टिक है और मैंने स्क्रीन पे टच किया और मेरा बंदा मूवमेंट दे रहा है, ठीक है ना गाइज। मैंने जॉयस्टिक पे कहीं पे भी टच नहीं किया, मैं आगे भी जा सकता हूँ, पीछे भी जा सकता हूँ, लेफ्ट भी जा सकता हूँ और राइट भी जा सकता हूँ, और ना ही आपका स्प्रिंट बटन लॉक होगा ना ही आपका स्प्रिंट बटन स्टक होगा, ठीक है ना गाइज। अगर स्टक हो रहा है तो उसको नीचे कर दो थोड़ा तो स्टक नहीं होगा। एक बात गाइज और, अगर आपने पहले जैसा अपना जॉयस्टिक करना है तो आपने करना ये है, स्प्रिंट बटन को नीचे करना है, फिर आपने सेव कर देना है और फिर कर देना है एग्जिट। तो आप देख सकते हो हमारी जॉयस्टिक शो होने लगी है। अगर गाइज आपने स्प्रिंट बटन को ठीक करना है तो आपने पहले जैसे ही करना है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, जॉयस्टिक को छोटा करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, साथ साथ आपने स्प्रिंट बटन पे ओके कर देना है, ठीक है, फिर आप स्प्रिंट बटन को बड़ा छोटा कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट कैसे करना चाहिए और जिगल मूवमेंट आप कैसे फास्ट कर सकते हो। गाइज अगर आप क्लोज फाइट ले रहे हो तो आपका बंदा वहाँ पे स्टक हो जाता है तो एनिमी आपको किल कर देता है बड़ी आसानी से, तो बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती है, कई बार तो हमारा चिकन डिनर भी मिस हो जाता है इस वजह से। गाइज अगर आप जिगल नहीं करोगे, आपका बंदा एक जगह पे रुक जाता है, आपका बंदा स्टक हो जाता है, तो एनिमी को प्लस पॉइंट रहता है आपको मारने का। गाइज ये तो मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया है, जॉयस्टिक का साइज़ कौन सा परफेक्ट होता है और जॉयस्टिक को कहाँ पे रखना चाहिए कहाँ पे नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं लेफ्ट राइट कैसे करना है जॉयस्टिक को। बहुत से बंदे लेफ्ट राइट करते तो हैं बट गलत तरीके से करते हैं, उनको नहीं पता लेफ्ट राइट कैसे करना चाहिए। गाइज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आगे जहाँ पे बंदा है, बंदा बहुत ही बढ़िया खेलता है, उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है, आप एक जगह पे रुक भी नहीं सकते, आपको लेफ्ट राइट जाना पड़ेगा। अगर आप TPP लोगे एक जगह पे तो बंदा दूसरी साइड से आकर आपको मार देगा, आपकी भी मूवमेंट बढ़िया होनी चाहिए तो ही आप उस बंदे को मार पाओगे। और हाँ गाइज, जहाँ पे भी स्टक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं राइट को गया, जैसे ही मैं लेफ्ट को मुड़ूंगा तो मेरा बंदा इस तरह रुक जाता है, आपका भी ऐसे ही रुकता होगा, मैं आपको कर कर दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। तो गाइज ये रहा हमारा बंदा, और जैसे ही मैं राइट को गया और लेफ्ट को मुड़ा और हमारा बंदा स्टक हो गया और फिर से हमारे को जॉयस्टिक छोड़ना पड़ा और फिर से गया, ठीक है ना गाइज। इतने टाइम में तो एनिमी आपको किल कर देगा। तो गाइज आपको लेफ्ट राइट कैसे करना है, अगर आप सही से लेफ्ट राइट करोगे तो ही आप बंदों को बड़ी आसानी से मार पाओगे। गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हो सर्कल में चार पॉइंट हैं, एक ऊपर और एक नीचे और एक लेफ्ट और एक राइट। गाइज आपको करना ये है, आपको लेफ्ट राइट मिडल से करना है, जैसे कि जहाँ से लेफ्ट को गया और राइट को जहाँ से गया, सही है ना गाइज, मिडल से करना है, एकदम मिडल से। गाइज आपको करना ऐसे है, मिडल से लो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ये करना है आपने, फिर ही आपकी जिगल मूवमेंट सही हो पाएगी। ना ही आपने जहाँ से करनी है और ना ही जहाँ से करनी है और ना ही जहाँ से, आपको जाना है बस मिडल से, ठीक है ना गाइज, तभी आपकी मूवमेंट सही हो पाएगी। गाइज आपको जो दो पॉइंट दिख रहे होंगे, जहाँ से आपने लेफ्ट को जाना है और जहाँ से आपको राइट को जाना है, एकदम मिडल से। अगर आप दोनों पॉइंट के मिडल से नहीं करोगे तो आपका बंदा लाजमी है स्टक होना, ठीक है ना गाइज। और हाँ गाइज आपको एक मैं ड्रिल भी बता देता हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया ड्रिल है, आप कर सकते हो, आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। आपको ऐसे करना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको गन पीछे कर लेना है, आगे कर लेना है, पीछे कर लेना है, आगे कर लेना है और जहाँ पे ही करना है जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना गाइज। ये ड्रिल आपकी बहुत हेल्प करेगी जिगल मूवमेंट में और आपकी स्टक भी नहीं होगी जॉयस्टिक।
और एक बात मैं गाइज और क्लियर कर दूँ, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ता है, जो भी है प्रैक्टिस करो और तो ही आप उसमें परफेक्ट हो पाओगे। और लास्ट वीक मैंने एक सेंसिटिविटी पे वीडियो डाला था, बीच काफ़ी बंदों के मैसेज भी आए भाई हमारे से सेंसिटिविटी नहीं बनी, भाई बन जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, बट आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आपके भाई ने वीडियो बनाया है उसके जैसा किसी ने वीडियो नहीं बनाया। एक वीडियो में मैंने फुल डिटेल में बता दिया है, उस वीडियो में मैंने फुल डिटेल में बताया था अगर आपकी गन ऊपर जाती है तो क्या करना है, नीचे आती है तो क्या करना है, और लेफ्ट राइट जाती है तो क्या करना है। गाइज मैंने सभी कुछ आपको क्लियर कर दिया है, जॉयस्टिक का परफेक्ट साइज़, जॉयस्टिक की परफेक्ट जगह कौन सी है, और जॉयस्टिक आपकी स्प्रिंट पे क्यों लग जाती है, और जिगल मूवमेंट आप कैसे कर सकते हो, और लेफ्ट राइट कैसे करना है जॉयस्टिक को, ठीक है ना गाइज। तो बस गाइज वीडियो में इतना ही, वैसे तो मैंने फुल डिटेल में बता दिया है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। गाइज आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब कंप्लीट होने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।